मैं खुशी खान, आज मैं ओप्पो F11 प्रो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगी। तो ये मोबाइल मैंने अरोरा ग्रीन कलर का लिया है, इसमें एक थंडर ब्लैक कलर भी आता है, लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये वाला कलर मैंने इसमें लिया है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस मोबाइल के जो है बॉक्स में सबसे पहले जो है ऊपर इसकी मेन डिवाइस दी हुई है, मेन डिवाइस के नीचे जो है इसका चार्जर दिया हुआ है और साथ में इसकी जो है केबल दी हुई और इसके हैंड फ्री दिए हुए। तो सबसे पहले इसके चार्जर की बात कर लेते हैं। इसका चार्जर जो है वो की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है 3.0 की, और साथ में इसकी केबल दी हुई है। ये केबल जो है टाइप सी केबल नहीं है, लेकिन अच्छी केबल है। और ये इसके हैंड फ्री दिए में ये आपको जो है ओप्पो F7 में भी मिले थे, और ये मुझे 51,000 का मिला है ये मोबाइल। तो इसकी मेन डिवाइस है ये मोबाइल है, ये इसके पीछे मैंने प्लास्टिक की शीट चढ़ाई है ताकि मेरा मोबाइल जो है वो स्क्रैचेस से बच सके। साइड में इसके वॉल्यूम बटन है, इस तरफ इसके पावर बटन और सिम इंसर्ट करने के लिए। ऊपर इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा, नीचे इसका 3.5 mm जैक का ऑडियो जैक दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी फिंगरप्रिंट और फेस लॉक इनेबल कर लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि कितना फास्ट जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इसका जो फेस लॉक है, तो जैसे आप पावर बटन ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो फ़ौरन इसका कैमरा निकल आएगा और फ़ौरन मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। मतलब काफ़ी फास्ट जो है इसका फेस लॉक काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट भी इसका काफ़ी फास्ट है, जैसे आप टिप कर प्रेस करेंगे और फ़ौरन ही वो अनलॉक हो जाएगा। और फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट इसका काम कर रहा है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो इसका जो मेन कैमरा है ये 48 MP का इसका कैमरा इसमें दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा कैमरा है। और 4.3 इसकी मैंने रेशियो सेलेक्ट की हुई है। तो मैं आपको इसके पिक्चर्स लेके दिखा देती हूँ। इसके कलर्स बहुत ही ब्राइट और बहुत ही शार्प इसके कलर्स हैं। मैंने कोई ब्यूटीफाई इसमें और कोई फ़िल्टर इसमें नहीं सेलेक्ट किया हुआ, ये नॉर्मल मोड पे मैंने इसकी पिक्चर ली। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने शार्प इसके कलर्स हैं, और इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, पिक्सल्स इसके नहीं फट रहे, एक्सपोजर इसका बहुत ही अच्छा है, और लो लाइट के लिए कैमरा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी इसकी चीज़ है। इसका फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने ओप्पो F7 प्लस से मैं इस वीडियो बना रही हूँ, तो इसके पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा, ओप्पो F7 प्लस में 25 MP का कैमरा दिया हुआ था और ओप्पो F11 प्रो में 16 MP का कैमरा दिया हुआ है, लेकिन ये बात मैं दावे से कह रही हूँ कि मतलब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर कह रही हूँ कि ये 16 MP का कैमरा ओप्पो F7 की 25 MP को बीट कर रहा है। बहुत ही साफ इसका रिज़ल्ट है, एक्सपोजर इसका बहुत अच्छा है, डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छी है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपका अगर कैमरा खुला हुआ है और जैसे अगर आपका मोबाइल गिरता है तो ये फ़ौरन ही कैमरा अंदर चला जाएगा, तो इसमें आपका कैमरा जो है सिक्योर है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो है इसकी अबाउट फ़ोन में से हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है इसकी मतलब 128 GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है, ओक्टा कोर का इसका प्रोसेसर दिया हुआ है और 6 GB जो है इसकी रैम है, तो ये भी काफ़ी अच्छी। अब मैं इसको आपकी जो है वीडियो क्वालिटी भी दिखा दूँगी इस मोबाइल की, और मैं आपको इसके कैमरे की पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी गैलरी में जाते हैं। तो इसकी गैलरी में जो है मतलब काफ़ी अच्छी इसकी गैलरी दी हुई है। इसमें सबसे पहले आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपकी सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके साथ जो है इसमें एल्बम्स का ऑप्शन है कि जितनी भी एल्बम्स आप बना के रखते हैं, सेव करते हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं। पिक्चर्स जो है बहुत ही अच्छी है इसकी, और जो इसमें डिटेलिंग दी हुई आप जितना जूम करते हैं। कलर इसका बहुत ही अच्छा इसका कलर है, एक्सपोजर इसका बहुत अच्छा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो है मैंने खुद जो है जो पिक्चर्स ली हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने खुद इसकी पिक्चर्स ली थी, ये भी काफ़ी अच्छी इसकी पिक्चर्स आई हैं। ये मगरिब का टाइम होने वाला था, उस वक्त की पिक्चर्स ली हैं। और ये जो है फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और साथ में इसकी वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इसकी वीडियो क्वालिटी है इसकी, ये भी मैंने मगरिब के वक्त पे इसकी वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छी इसकी वीडियो बनी है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि मतलब इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो है वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी की भी वॉइस में आपको इसको चेक करवा देती हूँ।
तो ये इसकी मोबाइल की वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें हमें इसके वारंटी कार्ड मिल जाते हैं, जब आप मोबाइल लेते हैं तो वारंटी कार्ड पे लिख के दिया जाता है, और साथ में मुझे इसकी रसीद मिली है। वैसे तो ये 55,000 का है नेट पे, लेकिन मुझे 51,000 का मार्केट से मिला है। और इसमें जो है इसकी पिन दी हुई है सिम इंसर्ट करने के लिए, और इसके नीचे जो है साथ में इसका बैक कवर दिया हुआ है। बैक कवर इसका ब्लैक कलर का, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। साइडों से ये सिलिकॉन का बना हुआ है और बीच में से थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से मैंने प्लास्टिक की शीट चढ़ाई अपने मोबाइल पर ताकि मेरा मोबाइल में कोई स्क्रैचेस ना आ जाएँ। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा इसका कवर है और इतना हैवी नहीं हो जाता। वैसे 190 ग्राम इस मोबाइल का वेट है और काफ़ी अच्छा मोबाइल मुझे लगा है ये। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। एंड काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट टू एवरीवन। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।